Hello, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start another chapter of our SST book by Brain Root series. The name of our book is Jelly Bean Journeys in Social Studies Class 2. And today we will start chapter number 6. And the name of our chapter is Clothes We Wear. Kapde jo hum pehante hain. Chaliye unke bare mein padhte hain. Sum and substance. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे नीड ऑफ क्लॉथ, हमें कपड़े की जरूरत क्यों पड़ती है. वेयर डू वी गेट फाइबर फ्रॉम, हमें फाइबर कहाँ से मिलता है. हम यूनिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ क्लॉथ के बारे में पढ़ेंगे, टेकिंग केयर ऑफ क्लॉथ, और हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल क्लॉथ के बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. Before we start the chapter, first we will do one activity. Find the name of cloth and things we wear in the word search. Look at the pictures given as hints. यहाँ पर एक word search दिया हुआ है, कुछ कपड़ों की pictures दी हुई हैं, उनके नाम आपको इनमें से find करने हैं, छाटने हैं, ढूंढने हैं. तो my dear student, this activity you will do by yourself. नीड फॉर क्लॉथ, हमें कपड़े की आवश्यकता क्यों पड़ती है. क्लॉथ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ. वी नीड क्लॉथ फॉर मेनी रीजन. सम ऑफ दीज आर लिस्टेड. टू कवर आवर बॉडी, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट. क्लीन एंड वेल आयरन्ड क्लॉथ मेक अस लुक स्मार्ट. हमें कपड़ों की जरूरत अपना तन ढकने के लिए पड़ती है. कपड़े हमें सर्दी गर्मी बरसात से बचाते हैं, और क्लीन साफ और अच्छे प्रेस किए हुए कपड़े पहनकर हम स्मार्ट लगते हैं. अगर हमें कहीं बाहर जाना है, हम अच्छे से ड्रेसअप होके जाएंगे, अच्छे से कपड़े पहनेंगे, तो हम कैसे लगेंगे, स्मार्ट लगेंगे. तो चलिए आगे पढ़ते हैं. टाइप ऑफ क्लॉथ, अब हम कपड़ों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे. हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, हमेशा हम एक जैसे कपड़े नहीं पहनते, हम सीजन के अकॉर्डिंग और नीड के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं. चलिए पढ़ते हैं. द क्लॉथ डेट वी वियर चेंज अकॉर्डिंग टू द सीजन एंड द प्लेस वी लिव. कपड़े जो हम पहनते हैं वो सीजन के अकॉर्डिंग पहनते हैं, बदलता है सीजन तो कपड़े भी बदलते हैं, और जहां हम रहते हैं या जहां हमें कहीं बाहर भी जाना है तो उसके अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं. सपोज आप रात को सोने में नाइट सूट पहन रहे हैं, आपको कहीं मैरिज में जाना है, क्या आपको नाइट सूट पहन के जाएंगे. नहीं, मैरिज में जाने के लिए आपको अलग कपड़ों की जरूरत है, बर्थडे पार्टी में जाने के लिए अलग कपड़ों की जरूरत है. हर ओकेशन के हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं. ड्यूरिंग समर वी वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ. दीज हेल्प इन कीपिंग आवर बॉडी कूल. गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, वो हमारी बॉडी को कूल रखते हैं. ड्यूरिंग विंटर वी वियर वूलन क्लॉथ बिकॉज दे कीप अस वार्म. सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं जो हमारी बॉडी को गर्मा ही देते हैं. और बच्चों, हमें वूल किससे मिलती है, शीप से, भेड़ के बालों से हमें ऊन मिलती है. ड्यूरिंग रेनी डेज वी वियर रेन कोट, गम बूट्स एंड यूज अम्ब्रेला टू स्टे ड्राई. जब बारिश होती है हम रेन कोट का, गम बूट्स का और अम्ब्रेला का यूज करते हैं जिससे हम भीगे नहीं, हम बारिश से बच पाए. वेयर डू वी गेट फाइबर फ्रॉम, हमें फाइबर कहाँ से मिलता है. वी यूज वेरियस मटीरियल लाइक कॉटन, वूल, सिल्क, रबर एंड जूट टू मेक क्लॉथ. कपड़े बनाने के लिए हमें कॉटन, वूल, सिल्क, रबर और जूट की आवश्यकता पड़ती है. इन सब चीजों से कपड़े बनते हैं. कॉटन, कॉटन हमें कहाँ से मिलती है, चलिए पढ़ते हैं. वी गेट कॉटन फ्रॉम द बड्स ऑफ अ कॉटन प्लांट. कॉटन बॉल्स आर पिक एंड स्पन इनटू यार्न. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग. कॉटन का एक प्लांट होता है जिसके बड से हमें कॉटन मिलती है, और फिर उससे क्या बनता है, उससे यार्न मतलब धागा बनता है, और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं. दीज यार्न इज वूवन एंड मेड इनटू क्लॉथ. क्लॉथ देन डाइड इनटू डिफरेंट कलर. द टेलर देन स्टिचेस द फैब्रिक टू मेक इंडिविजुअल कॉटन क्लॉथ.
कॉटन क्लॉथ कीप अस कूल ड्यूरिंग समर। और फिर क्या होता है, धागे से कपड़ा बनाया जाता है और कपड़े को फिर अलग अलग रंगों में रंगा जाता है। और फिर टेलर क्या करता है, कपड़ों को सिलता है और हमारे नाप के बनाता है, जिसे हम पहनकर सुंदर लगते हैं और अच्छे लगते हैं। कॉटन क्लॉथ हम कब पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ हम समर में पहनते हैं, गर्मियों में पहनते हैं, वो हमारी बॉडी को कूल रखते हैं। वूल, वूल मतलब ऊन। अभी मैंने आपको बताया था ऊन हमें किससे मिलती है, शीप से मिलती है, भेड़ के बालों से मिलती है। वी गेट वूल फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप, गोट एंड याक, और याक के बालों से भी हमें ऊन मिलती है। द वूल इज फर्स्ट क्लीन देन डाइड एंड स्पन इनटू वूलन थ्रेड। These woolen threads are used to weave woolen cloth. Sweater, muffler and cap are made of wool. Cloths made of wool keep us warm in winter. भेड़ों से हमें ऊन मिलती है, सबसे पहले उसको क्लीन किया जाता है, फिर अलग अलग रंगों में डाई किया जाता है। ऊन लाल, हरे, बहुत सारे कलर्स की आती हैं। फिर उन ऊनों को बुना जाता है अलग अलग कपड़े बनाने के लिए। स्वेटर, मफलर, कैप, सॉक्स, बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। वूलन क्लॉथ का इस्तेमाल हम विंटर सीजन में करते हैं, जो हमारी बॉडी को गर्मा ही देता है। सिल्क, वी वियर सिल्क क्लॉथ ऑन स्पेशल ओकेजन, दे लुक फॉर्मल एंड एलिगेंट। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म स्पिन कोकोन्स अराउंड देयर बॉडीज। द थ्रेड दैट वी गेट फ्रॉम कोकोन आर वूवन इनटू सिल्क फैब्रिक। सिल्क हमें किससे मिलता है, सिल्क का एक कीड़ा होता है, उससे हमें सिल्क मिलता है। सिल्क कपड़ा हम डेली नहीं पहनते, सिल्क के कपड़े हम ओकेशनली पहनते हैं, जो बहुत एलिगेंट लगते हैं, पहन के हम स्मार्ट लगते हैं। और सिल्क कॉस्टली भी होता है, उसको स्पेशल केयर की जरूरत होती है सिल्क को, इसीलिए हम उन कपड़ों को कब पहनते हैं, किसी स्पेशल ओकेशन पे पहनते हैं। रबर, वी गेट रबर फ्रॉम रबर ट्री। रबर हमें रबर ट्री से मिलता है। रबर किस लिए यूज होता है, रेनकोट बनाने के लिए यूज होता है। और रेनकोट हम कब पहनते हैं, जब बारिश होती है, तब हम रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं। जूट, वी गेट जूट फ्रॉम जूट प्लांट। जूट हमें जूट के प्लांट से मिलता है और ये कपड़े बनाने के लिए काम होता है, आता है। रस्सी, बैग और मैट्स बनाने के लिए भी जूट का इस्तेमाल किया जाता है। टेकिंग केयर ऑफ क्लॉथ, बच्चों हर चीज को केयर की जरूरत होती है। अगर आप अपनी चीजों की देखभाल करेंगे तो वो ज्यादा समय तक ड्यूरेबल रहेंगे, तो इसी तरह से कपड़ों को भी केयर की आवश्यकता पड़ती है। चलिए पढ़ते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर क्लॉथ, वी शुड कीप देम क्लीन एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डस्ट एंड जर्म। हमें अपने कपड़ों की देखभाल करनी चाहिए, उन्हें साफ रखना चाहिए डस्ट और जर्म से। वी शुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट बाय स्टोरिंग देम प्रॉपरली। कई बार आपने सुना होगा कपड़ों में कीड़ा लग जाता है, सिल्क में बहुत जल्दी कीड़ा लगता है, तो हमें उन कपड़ों की ज्यादा देखभाल करनी चाहिए। कई आपने घरों में देखा होगा, जब आपकी मामा विंटर्स के कपड़े रखती हैं तो उसमें कहते हैं फिनाइल की गोलियां डालती हैं, नेपोबॉल्स डालती हैं, व्हाइट कलर की होती हैं, या फिर कुछ मम्मी क्या करती हैं, नीम की पत्तियां डालती हैं, जिससे कपड़ों में कीड़ा ना लगे, वो कीड़े से बच सके। वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन एंड आयरन क्लॉथ बिकॉज दे मेक अस लुक स्मार्ट। हम हमेशा साफ कपड़े पहनते हैं, और कैसे कपड़े पहनते हैं, प्रेस किए हुए, जिसे पहनकर हम स्मार्ट लगे। वी शुड ईट फूड केयरफुली सो डेट इट डज नॉट फॉल ऑन आर क्लॉथ। बहुत ध्यान से अच्छे से खाना खाना चाहिए, जिससे खाना हमारे कपड़ों पर ना गिरे। वी कैन वॉश क्लॉथ एट होम यूजिंग आर हैंड, अ बकेट एंड वॉशिंग पाउडर। कपड़ों को घर पे धोइए, हाथ से बाल्टी का इस्तेमाल करिए और वॉशिंग पाउडर का। वी मे ऑल्सो यूज अ वॉशिंग मशीन। कपड़े धोने के लिए हम वॉशिंग मशीन का भी इस्तेमाल करते हैं। मैनी नेबरहुड हैव अ वॉशर मैन और वॉशर वुमेन और अ लॉन्ड्री सर्विस। कोई घरों में धोबी आता है कपड़े लेने के लिए, कपड़ों को धोता है और प्रेस करता है। दे वॉश आर क्लॉथ देन ऑल्सो आयरन देम। वो हमारे कपड़े धोते हैं,
प्रेस करते हैं. वी कैन गेट आर स्पेशल क्लॉथ ड्राई क्लीनर यूज केमिकल टू क्लीन आर क्लॉथ. कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें स्पेशल केयर की जरूरत होती है, जिन्हें हम ड्राई क्लीन कराते हैं. वो कपड़े हम कभी कभी पहनते हैं, तो ड्राई क्लीनर केमिकल्स का यूज करते हैं हमारे कपड़ों को साफ करने के लिए. दे डू नॉट यूज वाटर. टेकिंग गुड केयर ऑफ क्लॉथ मेक देम लास्ट लॉन्गर. कपड़ों की अच्छे से देखभाल करना से क्या होता है, कपड़े ज्यादा ड्यूरेबल रहते हैं, ज्यादा समय तक चलते हैं, जल्दी फटते नहीं हैं, उनके रंग खराब नहीं होते. यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म क्या होती है? आप स्कूल आते हैं घर के कपड़ों में आते हैं? नहीं, आप एक ड्रेस पहन के आते हैं और आपके स्कूल के सभी बच्चों ने वैसी ड्रेस पहनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं. सभी बच्चों की एक जैसी कलर की होती है यूनिफॉर्म. अ यूनिफॉर्म इज अ स्पेशल आउटफिट वॉर्न बाय पीपल वर्किंग इन वेरियस प्रोफेशन. वी कैन टेल व्हाट अ पर्सन डज बाय लुकिंग एट हिज हर यूनिफॉर्म. और कई जगह कुछ प्रोफेशंस में अलग अलग ड्रेसेस होती है, उनकी ड्रेसेस को देखकर हम पहचान जाते हैं कि ये लोग क्या जॉब करते हैं. आपने पुलिस वालों को देखा होगा, उनकी ड्रेस से आप पहचान लेंगे कि ये पुलिसमैन है या पुलिस वूमेन है. आप डॉक्टर को व्हाइट कोट पहने हुए देखेंगे, उसके गले में स्टेथोस्कोप देखेंगे, तो आप पहचान जाएंगे कि ये डॉक्टर है. इसी तरह पोस्टमैन की अपनी ड्रेस होती है, सोल्जर की अपनी ड्रेस होती है, तो उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उनकी ड्रेसेस होती है. बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं स्कूल जाने के लिए और अलग अलग स्कूल की अलग अलग यूनिफॉर्म्स होती हैं. डॉक्टर, पायलट, सोल्जर, नर्स एंड एक्रोबैट एथलीट आल्सो वियर स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉथ कॉल्ड कॉस्ट्यूम. डॉक्टर, पायलट, सोल्जर, नर्स, एथलीट अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं जिन्हें हम कॉस्ट्यूम्स कहते हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट ट्रेडिशनल क्लॉथ. ट्रेडिशनल क्लॉथ क्या होते हैं? इंडिया इज अ बिग कंट्री. इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ पे बहुत तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, भाषा अलग होती है, उनका खाना अलग होता है, तो हर इंडिया के एक अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह के लोग होते हैं जिनका खाना अलग होता है, उनका लैंग्वेज अलग होता है, रहन सहन अलग होता है, और उनकी क्या होती है, स्पेशल ड्रेस होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल क्लॉथ्स कहते हैं. चाइना की अलग होती है, मेक्सिको, जापान, मंगोलिया, इन सब की अलग अलग ड्रेसेस होती हैं, इसे हम ट्रेडिशनल क्लॉथ्स कहते हैं. इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड पीपल आल्सो हैव देयर ओन स्पेशल और ट्रेडिशनल ड्रेसेस. पीपल वियर डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस फॉर डिफरेंट ओकेशन सच एज वेडिंग, फेस्टिवल, पार्टीज एंड सो ऑन. ट्रेडिशनल कपड़े लोग कब पहनते हैं? शादियों में, त्योहारों में, पार्टीज में और बहुत सारी जगह पे. नाउ टाइम टू लुक ओवर. क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट एंड रेन. कपड़े हमें बचाते हैं सर्दी, गर्मी, बरसात से. वी वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ इन डिफरेंट सीजन. अलग अलग सीजन में अलग अलग कपड़े पहनते हैं. Different types of clothes are worn in different parts of India. We should always wear clean and ironed cloth. हमें हमेशा साफ और प्रेस किए हुए कपड़े पहनने चाहिए. Now, time to do some exercise. First exercise है, choose the correct option. सही option को चुनिए. We wear cotton cloth in that season. कौन से season में हम cotton cloth पहनते हैं? समर, विंटर, रेनी या स्प्रिंग. सही ऑप्शन है समर सीजन. वूल इज मेड फ्रॉम द हेयर ऑफ. वूल किसके बालों से बनती है? फिश, शीप, डॉग या नन ऑफ दीज. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, शीप. नंबर थ्री, सिल्क वॉर्म स्पिन डैश अराउंड देयर बॉडी. सिल्क वॉर्म अपनी बॉडी के चारों तरफ क्या बनाते हैं, क्या स्पिन करते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कुकॉन्स. We use dash when we go out in rain. जब हम बारिश में बाहर जाते हैं हम क्या इस्तेमाल करते हैं? Shoes, jacket, raincoat या sweater. तो हम use करते हैं raincoat. Exercise B, fill in the blanks using help box. खाली स्थानों को भरिए, help box दिया हुआ है. We wear dash to cover our body. हम अपनी body को cover करने के लिए क्या पहनते हैं?
हम पहनते हैं क्लॉथ, CLOTHES, क्लॉथ. नंबर टू, वी वेयर डिफरेंट क्लॉथ इन डिफरेंट डैश, हम डिफरेंट क्लॉथ पहनते हैं डिफरेंट ओकेशन पे. OCCCASIONS, ओकेशन. वी वेयर डैश एंड डैश ऑन अ रेनी डे, रेनी डे में हम क्या पहनते हैं, हम रेनकोट पहनते हैं और हम पहनते हैं गम बूट्स. ये हाँ, गम बूट, GUM, गम, BOOTS, बूट. बोथ डैश एंड डैश फैब्रिक आर यूज टू मेक यूनिफॉर्म, कौन सा फैब्रिक यूनिफॉर्म बनाने के लिए यूज होता है, नेचुरल एंड मैन मेड, नेचुरल एंड मैन मेड, MAN, MADE, नाउ एक्सरसाइज सी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, हमें बताना है जो वाक्य दिए हुए हैं वो सही है या गलत. नंबर वन, वी लाइक क्लीन एंड वेल आयरन क्लॉथ, हमें साफ और अच्छे प्रेस किए हुए कपड़े पसंद आते हैं. यस, दिस स्टेटमेंट इज 100% ट्रू. नंबर टू, यार्न आर वूवन इनटू क्लॉथ, यार्न को कपड़े में बदला जाता है, धागे से कपड़ा बनता है. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. रबर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रबर हमें हीट से बचाता है. नो, दिस इज फॉल्स. रेनकोट आर मेड ऑफ वूल, रेनकोट ऊन से बनते हैं. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. नंबर फाइव, टेकिंग केयर ऑफ क्लॉथ मेक देम लास्ट लॉन्गर, यस, दिस स्टेटमेंट इज 100% ट्रू. सो माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो, इन दिस चैप्टर, वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.